अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेडिकल हर्बल फिजिशियन हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। घुटनों का दर्द है लुब्रिकेशन की कमी से, चोट वगैरह नहीं लगी, अधेड़ उम्री है यानी कि ज़्यादा एज के लोग हैं, उम्र ज़्यादा हो चुकी है, अबाव 50 है या अबाव 40 हैं, उन आज़ाद के लिए आज की मेरी वीडियो है। अल्टरनेटिव मेडिसिन हर्बल मेडिसिन पे आप बिलीव रखते हैं तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम मालूमात आप तक पहुंचती रहें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके दहलीज तक आएं। थैंक यू, जजाकल्ला। घुटनों में दर्द है लुब्रिकेशन की कमी से, तो इंशाल्लाह इस तरीके से अगर आप देसी घी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह घुटनों का दर्द खत्म होगा। अगर तो चोट वगैरह लगी है या कोई डिस्क स्पेस आ गई है या हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो गई हैं तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो प्रॉपर अपने मालिश से रब्ता करें। जस्ट लुब्रिकेशन की कमी है, घुटनों से आवाज़ें आती हैं, हड्डियों से आवाज़ें आती हैं, तो इसमें वहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं है, तो उसके लिए बेहतरीन जो टोटका है वो बताने जा रहा हूँ। गाय का खालिस देसी घी लेना है 1 से 2 टेबल स्पून, उसमें 1 से 2 देसी अंडे कच्चे डालने और 1 गिलास गाय का दूध, उसमें अच्छी तरह तीनों चीज़ें मिक्स करें। वो वाला सुबह खाली पेट पी सकते हैं तो पिए, लाजमी सिर्फ 20 से 25 दिन। इंशाल्लाह कोई कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, इससे इंशाल्लाह कवर होगा। कुछ लोग ऐसा कच्चे अंडों को नहीं पी सकते तो अंडों को इस तरह इस्तेमाल ना करें, वो जस्ट 1 से 2 टेबल स्पून देसी घी के 1 गिलास दूध में डालें, वो सुबह खाली पेट लें, उसके आधे घंटे के बाद अंडे को फ्राई कर लें, अंडे का आमलेट बना लें, अंडे को बॉईल कर लें, देसी अंडों को वो खा लें, तो इंशाल्लाह उससे भी फ़ायदा होगा। ये तरीका 20 से 25 दिन करें, उसके साथ साथ अपनी डाइट में ब्लैक चनों जो है उसका 1 से 2 बार हफ्ते में सालन बना के खाएँ, वो शोरबे वाला उसका शोरबा पिएं और वो ब्लैक चने खाएं। और नंबर 3 मेथी का इस्तेमाल करें, जो मेथी मोस्टली सर्दियों में होती है, तो मेथी की सब्ज़ी बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप लोगों की प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। अल्लाह हामी और नासिर हो। शुक्रिया, जजाकल्लाह।